टीवी सही खबर सबके लिए। दोस्तों मैं हूं जीए शेख। आप जिस तरीके से आपको दबंग बिहार स्टार टीवी सही और सत्य खबर ग्राउंड जीरो पर जा करके आपको बताता है, आज हम आपको सीतामढ़ी जिले के अंदर परियार ब्लॉक के क्षेत्र के अंतर्गत ही मौजूद है सुतिहारा पंचायत में। सुतिहारा पंचायत में एक ऐसे चर्चित व्यक्ति है जिनका नाम लेना जरूरी नहीं। दोस्तों आज हम इनके पास आए हैं जो आए दिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पे अत्याचार होता है। जैसे जुमा का दिन बहुत खास होता है मुसलमानों के लिए, और जुमा का दिन खास होता है तो मस्जिद अगर छोटी कहीं पे रहती है तो रोड पे लोग नमाज पढ़ते हैं, वो नमाज रोड पे पढ़ने पे पाबंदी लगती है, ये नॉर्मल बात है। लेकिन राज्यसभा की छुट्टी होती थी, जो लोग राज्यसभा चुन करके जाते हैं वहाँ पे हमारी आपकी हक की बात वहाँ पे उठाते हैं राज्यसभा के अंदर, वहाँ पे जुमे के दिन करीब 1.5 घंटे की छुट्टी होती थी, जो लंच ब्रेक होता है, लंच ब्रेक में आधा घंटा ज़्यादा जुमे के दिन छुट्टी दिया जाता था ताकि जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो अपना नमाज जुमे का पढ़ ले। लेकिन उस जुमे की नमाज की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है। आइए हम हजरत से जानते हैं कि क्या हजरत इस जुमे की छुट्टी को रद्द किया है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय को ठोस पहुंची है। हाँ, दबंग बिहार स्टार टीवी के जरिए मैं तमाम नाज़रीन का खैर मकदम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अभी चंद दिनों पहले हिंदुस्तान के राज्यसभा से जो पार्लियामेंट है वहाँ मुसलमानों को जो छुट्टी दी जाती थी नमाज़ पढ़ने की जुमा के दिन, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त से लेकर के आज तक वो छुट्टी मिलती थी। हुकूमतें आती रही, चेहरे चेंज होते रहे, माहौल बदलता रहा, लेकिन चूँकि वो कानून जो है वो एक खुदा की इबादत करने के लिए थी, जो 1 घंटा का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता था। लेकिन अफसोस सद अफसोस, किसी ने सोचा भी नहीं था कि बीजेपी सरकार जो है इतना नीचे गिर जाएगी। बीजेपी सरकार इतना नीचे गिर जाएगी आप कह रहे हैं, फिर भी जो है ना, चाहे वो राज्य का चुनाव हो या फिर लोकसभा में पिछली बार फुल बहुमत से सरकार उन्हीं की बन रही है। ये मतलब यही सरासर गलत है। गंगो जमनी तहजीब जो है हिंदुस्तान की जी, इसका ख्याल करते हुए इस तरह का जो कदम उठता है पूरी दुनिया में जल हसाई होती है हमारे मुल्क की, हमारे देश की, और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में ये गलत पैगाम जाता है कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में एक खास समुदाय को, मुस्लिम वर्ग को टारगेट बनाया जा रहा है, और इस तरीके से उनके इबादत पर भी अब धीरे धीरे जो है कह दिया जाए पाबंदी आयद हो रही है। तो ये सब गलत है सरासर, ये इंसानियत के खिलाफ है या मानवता के खिलाफ है। और रही बात सरकार बनने की, तो भाई सरकार और भी ज्यादा मुद्दे हैं और भी मामलात हैं, वो सब ला करके आप अपनी सरकार बनाइए ना, अपनी सियासी रोटी से किया ना, ये किया किसी खास समुदाय के दिल को तकलीफ पहुंचा करके ही हम अपनी हुकूमत साजी करेंगे। तो 2000 ऐसा भी हो सकता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनको ये मुद्दा मिल गया होगा कि हम अब जुमा की नमाज राज्यसभा में जो छुट्टी होती थी उस पर भी हमने पाबंदी लगा दिया। तो इसमें जो सुलझे हुए सेकुलर मिजाज हमारे बिरादराने वतन हिंदू भाई हैं जी, ये उन लोगों को समझना है जी कि देखिए इन लोगों की राजनीतिक कैसी है जी। 9 साल से लगभग जो है 10-12 साल से 9-10 साल से बीजेपी की हुकूमत है, अभी तक वो कानून उनको नजर नहीं आया, और लोकसभा चुनाव से ठीक 2-4 महीना पहले जो है उनको ये बात नजर आई। तो इसलिए जो हमारे बिरादराने वतन है वो इन बात को समझे, इस बात पर ध्यान दे कि बीजेपी की यही राजनीतिक रही है कि हिंदू मुस्लिम फूट डालो, इसलिए ऐसा कानून लाया गया है ताकि इससे खास समुदाय के दिल को तकलीफ पहुंचे और दूसरा समुदाय खुश होकर हमको वोट दे। लेकिन जो अच्छे मिजाज के हमारे बिरादराने वतन हैं, हमारे हिंदू भाई है, वो लोग इस बात को फॉलो करें, इस बात पर गौर करें कि इस तरह की राजनीतिक पार्टी हमें नहीं चाहिए जो हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत की दीवार खड़ी करती हो। लिहाजा ऐसे हमारे हिंदू भाई पूरे मुल्क हिंदुस्तान के इंशाल्लाह
लजीम, मेरा दिल कह रहा है कि इस मर्तबा के लोकसभा चुनाव में इन्हें जरूर सबक सिखाएंगे। विकास का मुद्दा चूल्हेभार में गया, नौकरी का मुद्दा चूल्हेभार में गया, यानी किसी भी जो जो इंसानियत की तरक्की के लिए, जो आदमियत के तरक्की के लिए जरूरी है, वो सब मुद्दे पे बात नहीं होती है। और यही मस्जिद, मंदिर, नमाज, रोजा, इसी में लोगों के जहन को जो है ना भटका करके रख दिया जाता है। तो हजरत लोग तो कहते हैं कि हमें जो है ना नौकरी नहीं चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए। ये बिल्कुल, ये तो जहालत है ना, पढ़ा लिखा तबका ऐसा नहीं सोचता है। जो लोग अनपढ़ है, जिन लोगों का तालीम से कोई लेना देना नहीं है, सर्वोकार नहीं है, उस तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हमें मोदी जी चाहिए। अरे भाई, अरे अपने बाल बच्चों की आज कई वो मेडिकल कॉलेज जो है मोदी जी ने बनवा दिया है, कितनी यूनिवर्सिटी जो है कायम करवाया है मोदी जी। लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमें नहीं चाहिए, हमको जो है ना स्वच्छ भारत चाहिए, जो हमें स्वच्छता जो है ना घर घर स्वच्छता बना दिए, हमें घर घर जो है ना उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दे दिए, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना नहीं है, हम पढ़ के क्या करेंगे, हमको सिर्फ मोदी जी चाहिए। अगर इस तरह की सोच रही तो हिंदुस्तान कभी भी विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। इसलिए तारीख शाहिद है कि जो कौम पढ़ती है वही कौम आगे बढ़ती है। अगर हमारी सोच इतनी छोटी है कि हमें फ्री में अनाज मिल गया और लेटिंग करने के लिए शौचालय मिल गया और इसके जरिए जो है ये इतना हमारे लिए काफी है, तो गोया आप हालात से समझौता कर रहे हैं। आपका जो ये विश्व गुरु बनने का सपना है ये कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए कि जिस कौम में तालीम नहीं होगी, जिस कौम में एजुकेशन नहीं होगा, वो कौम आगे बढ़ ही नहीं सकती। अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे? अंत में मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, मैं अपने पूरे हिंदुस्तानी भाइयों को, हर समुदाय के लोगों को, कि मेरे भाइयों अभी भी वक्त है, अपनी आँख खोलिए और आप ऐसा नेता चुन करके लाइए, दिल्ली के सिंहासन पर ऐसे शख्स को बैठाइए जो शख्स इस मुल्क हिंदुस्तान को उरूजो इर्तिका पर ले जाए, बुलंदी पर ले जाए। बेरोजगार खुदकुशी कर रहा है, पढ़ लिख कर दर बदर की ठोकर खा रहा है, इंडियन रेलवे घाटे में चल रही है, जिस महकमे को देखिए वो तबाही का शिकार है। अच्छा हजरत, एक चीज, अभी अयोध्या मंदिर, राम मंदिर का उद्घाटन है, पूरे हिंदुस्तान से 1000 ट्रेन फ्री कर दिया गया है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बात को ही समझनी चाहिए लोगों को, इस हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को, कि जब हमारे बिहार का बच्चा कहीं एग्जाम देने के लिए जाता है लाखों लाख की तादाद में, तो उसके लिए रेलवे फ्री नहीं किया जाता। हिंदुस्तान के अंदर कोई बड़ा से बड़ा मामला, हिंदुस्तान के तरक्की की बात होती है, सेमिनार होता है, उसमें जाने के लिए ट्रेन फ्री नहीं की जाती है। लेकिन ये 2024 की तैयारी, चुनाव की तैयारी बीजेपी करते हुए हजारों ट्रेन को फ्री करके, तो इससे साफ हो गया ना हजरत के हमें जो है ना शिक्षा नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए, हम राम मंदिर जाएंगे। यही नादानी हम लोगों की, कम नसीबी यही है हमारे मुल्क वासियों की, कि भाई राम मंदिर के जरिए हमारा पेट नहीं भर जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य नहीं ऊंचा होगा। ये जापानी लोग किसकी पूजा करते हैं, क्यों आज दुनिया में नंबर वन है? वो लोग तालीम पर फोकस करते हैं, एजुकेशन पर फोकस करते हैं। लिहाजा हमें अपनी सोच को बदलना होगा और इस लोकसभा चुनाव में ऐसे चेहरे को लाना पड़ेगा दिल्ली के सिंहासन के लिए, जहाँ सबका विकास, सबकी तरक्की हो और खास करके हिंदुस्तान में एजुकेशन की तरक्की हो, ऐसी सरकार लानी चाहिए हम सबको मिले। तो देखा आपने, बहुत ही बेबाकी के साथ मौलाना अलाउद्दीन रिजवी साहब ने अपनी बात रखी लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर के, कि ऐसे नेता को सिंहासन पे बिठाना चाहिए जिन्हें देश के लिए सोचना चाहिए, जो देश के लिए सोचे, ये देश की मिट्टी के लिए सोचे। हमें वैसे नेता को प्रधानमंत्री बना करके दिल्ली की सिंहासन पे बैठाना है। दोस्तों, आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद।